अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और अस्सलामुअलैकुम अजहर, अरशद और अमजद, आप तीनों को भी खुश आमदेद कहते हैं। अजहर दी बैंड। नाज़रीन मोहतरम, पहले आते हैं शर्मीले लोग, उसके बाद आते हैं बहुत ज्यादा शर्मीले लोग। अब ये मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि पहले पानी आता है उसके बाद बहुत ज्यादा पानी आता है, लेकिन पहले आते हैं शर्मीले लोग, उसके बाद आते हैं बहुत ज्यादा शर्मीले लोग, और फिर उसके बाद आते हैं इतने शर्मीले लोग कि उन्हें अपनी चीजें मांगते हुए भी शर्म आती है। और मैं भी उन्हीं शर्मीलों में से एक शर्मीला हूं, जैसे किसी से अपने सवा दो साल मांगते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि क्या किया तुमने मेरे सवा दो सालों के साथ। लेकिन देखिए, अभी सवा दो बरस कहने चाहिए, वरना सवा दो साल तो हो नहीं सकते, या तो दो साल होंगे या तीन साल होंगे, सवा दो साल नहीं हो सकते, तो सवा दो बरस मुझे मांगते बड़ी शर्म आ रही है। लेकिन अब ये थोड़ा काम आसान हो गया है सेलफोन की वजह से और व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से, अब आपको कुछ मांगने के लिए कहना नहीं पड़ता, बल्कि आपको लिख कर मांग सकते हैं और वो लिख कर दे भी सकते हैं। अब देने और लेने का सिलसिला लिख कर होता है, आप लिख कर मांगे वो लिख कर दे देंगे, तो अब सिर्फ लिखने की बातें रह गई। लेकिन मैं मोबाइल फोन की इस पूरी तरक्की पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई शख्स जो है वो जा रहा था बाल्टी लिए, किसी ने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, उसने कहा नहाने जा रहा हूँ, बाल्टी देख के समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई तो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन मोबाइल हाथ में क्यों है। उन्होंने कहा भाई बाल्टी भरने तक क्या करूँगा, तो इतना जरूरी हो गया है। और इसी वजह से अब आप कोई भी चीज़ अगर आपको मांगनी हो, लिखनी हो, कहनी हो, उसके लिए व्हाट्सएप मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद है। अब तो पूरा काम ही हुकूमतों का काम व्हाट्सएप पे चल रहा है, यानी पहले काम चलते थे सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर, लोगों के दरमियान जाके, अब तो व्हाट्सएप है, काम व्हाट्सएप पे लिख दें काम हो जाए। इसी तो कहते हैं हम कि पाकिस्तान माशाल्लाह ऐसा दरख्शां, एक ऐसा रोशन, एक ऐसा दिलावेज मुल्क है कि जिसकी मिट्टी इतनी जरखेज है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी आज बड़े बड़े मनासिब पर मौजूद हैं जिन्हें शायद ये मनसब मिलने ही नहीं चाहिए थे और शायद उनका मुकद्दर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इन मनसबों पर मौजूद हैं। इसलिए कहता हूँ मैं जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज हमारे इस जीवे पाकिस्तान में जो मेहमान है वो एक इंतहाई दिलकश, बहुत मनमोनी सूरत की हामिल है, और बल्कि मनमोनी सूरत से कहीं ज़्यादा मनमोनी मुस्कुराहट की हामिल है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनकी मुस्कुराहट देखी, तो एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट की हामिल है। एक ऐसी होनहार फनकार हैं जिन्होंने महज अपनी अदाकारी से नहीं बल्कि अपनी मुनफरिद और दिल आवेश शख्सियत के साथ, ये बड़ी बात होती है, उसकी बदौलत एक ज़माने को अपना गर्विदा बना रखा है। बसा औकात ये भी होता है कि आप अदाकारी में अपनी सलाहियतों में बहुत आगे होते हैं लेकिन आपकी शख्सियत मुतासिर कुन नहीं होती, लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि आप शख्सियत से भी सैरंगेज होते हैं और अदाकारी भी आपकी कमाल की होती। तो दिल फरेबी ऐसी कि इंसान खिंचा चला आए, और मुस्कुराहट ऐसी कि मोनालिजा की मुस्कुराहट भी मान पड़ जाए। जुमला अभी भी आया, इस पर ज्यादा होना चाहिए था, अभी अभी जुमला है। टीवी इंडस्ट्री की एक ऐसी उभरती हुई फनकार है कि बल्कि मैं लफ्जों का चुनाव शायद सही नहीं कर पाया कि टीवी इंडस्ट्री की एक ऐसी उभरती हुई सुपरस्टार है। असल बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कह देते हैं हम वो हो जाता है, बात है कि कोने में पड़े हुए लोगों ने कोमे में डालने की कोशिश की, लेकिन ये कि अगर कह देते हैं तो फिर हो जाता है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो ये एक ऐसी फनकार है जो सुपरस्टार है, और अगर नहीं हुई है तो और हो जाएंगी, ये मुझे आने वाला इनका वक्त बताता है। और 8 बरसों से ये टेलीविजन की स्क्रीन पर राज कर रही हैं, और फैशन डिजाइनिंग का शौक था मगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये पहले बनी, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर किस्मत आजमाई की, और फिर अदाकारी के शोबे से भी जल्द मुतारिफ होंगे। लेकिन 2012 कब 2012 में क्या कहते हैं 2012 फिल्म भी आई थी ना, 2012 लोग डर गए थे बहुत फिल्म को देख के। 2012 तो 2012 में ड्रामा सीरियल बड़ी आपा, किसमें बड़ी आपा, बड़ी आपा आपकी है, बड़ी आपा हैं हमारी तो आपा ही नहीं।
बुशरा आपा तो अपने खानदान को जितना नापा नहीं नजर आया यहाँ पर, बुशरा आपा सबकी आप, आप बुशरा आपा तो सबकी आप है, लेकिन हमने वैसे जितना भी खानदान को नापा हमें नजर नहीं आया यहाँ पर। हाँ बस ये हमारे साथ ऐसा मसला रहा है, लेकिन असेंबली में हमें बड़ी आपाएं मिली है। अच्छा, बहुत आपाएं, अब तो ऐसी आपाएं कि उनको देख के पापा खाने को दिल चाहता है। उसमें बड़ी आपा में इन्होंने शर्मीन का सपोर्टिंग रोल अदा किया और कुछ अरसे के लिए अपने चाहने वालों से दूरी इख्तियार कर, लेकिन अदाकारी का शौक और फिर कुछ बनने की लगन वो फिर उन्हें टीवी इंडस्ट्री की तरफ दोबारा ले आई। तब से टीवी स्क्रीन इनका और ये टीवी स्क्रीन की होकर रह गई। दो हजार पंद्रह में ड्रामा सीरियल मोहब्बत आग सी, इनसे जब भी किसी को मोहब्बत होगी मोहब्बत आग सी होगी, तो ये मोहब्बत आग सी इनका एक ड्रामा था और इसमें शानदार परफॉर्मेंस पर बेहतरीन माविन अदाकारा का इन्होंने अवार्ड हासिल किया। अब उसके बाद एक और ड्रामा सीरियल अलविदा में इनकी जबरदस्त अदाकारी ने नाज़रीन को इनका गर्विदा बना लिया। ड्रामा सीरियल्स जब शुरू होती हैं, और आज़र भाई जो ड्रामा सीरियल शुरू होती है उसमें इनकी एक एक, एक सीरियल है बंद खिड़कियां। अच्छा, जहां बंद खिड़कियां होंगी वहां यही कहा जाएगा मेरे बेवफा, और फिर जब मेरे बेवफा कहा जाएगा बार बार उसको जताने की कोशिश की जाएगी तुम्हारे हैं। तो इसमें इनकी अदाकारी को बहुत पसीराई मिली, और फिर एक पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आया इनकी नई कहानी में, और फिर एक बेलापुर की डाइन आ गई। बेलापुर की डाइन, तो बेलापुर की डाइन में इनकी किरदार और इनकी अदाकारी को बहुत लोगों ने सराहा और ये कामयाब रही, और फिर जहां बेलापुर की डाइन आई थी वहीं पर दीवारे शब आएगी, और दीवारे शब में फिर गीती आरा का जो किरदार होगा, जिसको गीती भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक संस्कृत का लफ्ज है गीती, और इसको गीती भी कहते हैं, गीती भी कहते हैं चूंकि ये गीता से निकला है, तो ये संस्कृत में, तो गीती आरा का किरदार इन्हें बहुत पसंद किया गया। और फिर आठ साल फनी करियर के दौरान, कितने आठ साल फनी करियर में जो ड्रामा सीरियल्स इनकी आई वो इस तरह से आई कि उनमें सबसे पहले तो आई बड़ी आपा। बड़ी आपा को देखकर, जैसी बड़ी आपा को देखा तो फिर मोहब्बत आग सी हुई, और फिर जैसी मोहब्बत आग सी हुई तो फिर यही कहना पड़ा तुम मेरी हो, और फिर तुम मेरी हो जब कहते थे तो फिर जो तुम मेरी हो फिर वही हम नशी होती है, और हम नशी जाओ तो फिर खिड़कियां बंद हो जाती है, बंद खिड़कियां, और फिर बंद खिड़कियों में अगर कोई अच्छी बात ना हो तो फिर यही कहा जाता है मेरे बेवफा, और फिर मेरे बेवफा जब कहते हैं और अगर आदमी ताकतवर हो तो फिर बेलापुर की डाइन बन जाता है, और फिर उसके बाद जब बेलापुर की डाइन बन जाए तो फिर अगला आदमी बड़े हाथ जोड़ के कहते हैं हम तुम्हारे हैं, मतलब तुम्हारे फिर आओ जब आप कहते हैं आप हम तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, तो फिर इसलिए कहते हैं कि नजरे बद न लग जाए, और जहां नजरे बद नहीं लगती तो वहां जन्नत होती है, और जहां जन्नत होती है वहां अलविदा नहीं कहा जाता, और जहां अलविदा नहीं कहा जाता वहां दिल नहीं मानता, और जहां दिल नहीं मानता वहां सल्तनत होती है, और जहां सल्तनत होती है वहां दिल होता है, जब दिल होता है वहां भूल होती है, जहां भूल होती है वो कहते हैं हम ठहरे गुनाहगार, और फिर दीवारें शब हो जाती है। कैसी बातें कही ना आमिर भाई, वेल डन। और जहां दीवारें शब आ जाए मां जिंदगी सबात की मंजिलों पर जाकर अपनी भरपूर तालियों, हमारी वाली तालियों में इस अखबार कीजिएगा। अब मैं इनका काफिया मिलाता हूं। हमारी आज की है मेहमान, कामयाबी है जिनका निशान, अदाकारी का मौजूद है इनमें तमाम सामान, हमारे लिए ये है हमारा मान, पाकिस्तान की है ये जान, तशरीफ लाती है सारा खान। दिल से आया था, मैं वही सुनती रहूं। नहीं नहीं, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुस्कुराते रखे। अच्छा, मैं आपको इनकी एक बड़ी खास बात नाज़रीन बताना चाहता हूं, जो मैं तारुफ में भी बता सकता था लेकिन मैं चाहता था मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठे, और मैं इतनी बड़ी बात है कि मैं ये बात इनके सामने ही कहना चाहता हूं, ये बड़ी बात है, और अज़र भाई सुनने वाली बात है कि
अज़र अरशद और अमजद साहब तीनों सुना कि ये इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत है। और नाज़रीन आप ये तवज्जो सुनिएगा, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बात कहने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि इनके तमाम बहन भाइयों की पैदाइश मदीने मुनव्वरा में। वाह 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 वाह, ये वो वाह वाह है जो दिल से निकला है, मदीने मुनव्वरा में पैदा हुई है। और हम तो मदीने के शहरियों को सलाम करते हैं और ये मदीना शहर की बरकत ही है। अब देखिए लोग 10,000 बातें करें इस शोबे से मुतालिक या कुछ भी है, लेकिन शहर मदीना है और मदीने में अगर खजूर भी फरोख्त की जाती है तो वो भी बरकत वाली हो जाती है। तो वहाँ के लोग अगर अपने किसी काम में और फिर उस काम में अपने दामन को बचाते हुए, अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए और अपनी ख़ानदानी वक़ार को दुनिया के सामने कभी मजरू ना करते हुए अगर माँ मौजूद है तो ये वहीं की बरकतें जो इनके साथ हैं, जो बरकतें चल। और मैं ये भी आपको बताऊँ कि इनको जब भी वक्त मिलता है, ये दो बातें ऐसी थी जो मैं करना चाहता था तो उसके बाद में मैं भी बात करता हूँ, इनको जब भी वक्त मिलता है ये कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमा ज़रूर पढ़ती हैं। ये मदीने की बरकत है, एक्चुअली ये मदीने की बरकत है, लिहाजा इस पर वालिद उनके जैसे मेरी वालदा, मेरी बहुत लोगों को नहीं पता मेरी वालदा यूसुफ़ज़ई पठान थी, तो इनके वालिद भी यूसुफ़ज़ई पठान और वो ऑफसेट प्रिंटिंग का काम करते थे और इसी से मैं सऊदी अरब में मुकीम। ऑफसेट प्रिंटिंग बहुत से लोगों को नहीं पता क्या होती है, किताबें छपती हैं उसमें, बहुत सारे और काम होते हैं। अब मेरी जो किताब हज़रत खदीजा पर है वो भी ऑफसेट प्रिंटिंग पर है, बहुत ज़बरदस्त प्रिंटिंग होती है, उसमें काम करते थे। और वहीं इनकी मुलाकात एक लबनानी खातून से हुई और जिन खातून से मुलाकात हुई वो उमरा करने सऊदी अरब आई थी और फिर उमरा करने आई थी लेकिन उम्र भर के लिए उनकी हो गई और शादी के कई साल तक ये फिर ख़ानदान सऊदी अरब में मुकीम रहा और सारा खान समेत चारों बहन भाई वहीं पर पैदा हुए। और जब सारा खान 10 बरस की थी तो ये फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, सही कहा मैंने? और चारों बहन भाइयों में सारा खान का नंबर तीसरा है, सबसे बड़े भाई हमजा हैं और उसके बाद आयशा है और फिर सारा का नंबर आता है और सबसे छोटी बहन नूर खान है। नूर खान भी अदाकार है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये कि हमारे मैं एक चैनल पे था उसमें वो तशरीफ लाई थी लेकिन उसमें एक सीनियर फनकारा ने उनके साथ ऐसी बातें की कि वो चली गई, मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। मैं उनके पास नीचे तलाश करने भी उनको गया लेकिन वो जा चुकी थी। मैं उनसे माफ़ी मांगने गया था कि ये नहीं करना चाहिए था किसी खातून को, लेकिन ये कि अगर वो अभी भी देख रही हैं तो आई एम सो सॉरी, आप मेरी मेहमान थी लेकिन मैं क्या करूँ, वो भी मेरी मेहमान थी और आप नई नई आई थी और हमेशा नए लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए बजाय इसके कि उनको जिज किया जाए। बट नूर खान एक बहुत बड़ी अदाकार है, अच्छी अदाकार है, दोनों में दोनों बहनों में पेशा वराना रकाबत का शायबा तक नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से जलती नहीं है, एक अच्छी बात है। और एक और जो अच्छी बात है वो ये कि दोनों गहरी दोस्त हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि सारा खान जो है वो नूर खान का स्क्रिप्ट भी पढ़ती है और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसे ड्रामा साइन करने या ना करने का मशवरा भी देती है और वो उनके मशवरे पर मनोअन अमल भी करती है। ये लफ्ज़ होता है मनोअन, मिनोअन नहीं होता, ये से मैं बता रहा हूँ, मनोअन अमल भी करती है। और सारा के बरक्स नूर को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक़ था, उनके भाई हमजा को भी अदाकार बनने का शौक़ था, लेकिन अब बात ये कि शौक़ होता है जो कि अपनी जगह पर है, लेकिन कामयाब कौन होता है, किस दर्जे पर कौन पहुँचता है, इन्होंने मशवरा दिया कि पहले ज़रा तालीम मुकम्मल करो उसके बाद फिर अपने शौक को पूरा करना और फिर उसके बाद ये शौक मुकम्मल। आज सारा हमारे सामने मौजूद है, एक बार सा फिर सारा के लिए बहुत सही ताली। ये बताइए कि बचपन कैसा गुजरा? सुना है कि आप एक साहब को बहुत तंग करते थे मिलकर, उनके घर की बैल बहुत बजाया करते थे। जी हमने उन्हें बहुत 10 साल तक तकरीबन तंग किया और अभी बहुत सालों बाद हम वापस उस इलाके में गए तो हमने फिर से बैल बजाई वहाँ। तो बैल बजा के भाग जाते थे? बस बचपन में होता है ना कुछ एक्साइटमेंट होती है कि बस बैल बजा के भागना है, पता नहीं क्या मजा आता। मैं भी यही करता था, मेरा भी यही था कि मैंने बड़ी बैलें बजाई हैं और बहुत भागा। अच्छा ये बचपन की एक आम शरारत थी। अच्छा मगर अब बड़ा मसला हो गया, पहले यार वो कैमरे लगे होते शक्ल आ जाती, अब बैल बजाई भाग जाते थे, अब तो जैसे बैल बजाई शक्ल देख लेते हो। हाँ भाई अब नहीं कर सकते, हाँ वरना अगर आपने बैल बजाई और आपकी शक्ल देख ली तो फिर आपके घर में पता है क्या होगा, वाह वाह वाह, ऐसे डंडे पड़ने होंगे क्या आप खुद खेलोगे, इसका बड़ा आपको ख्याल करना होगा। तो इसमें ये बहुत अच्छा घर का माहौल इनका बड़ा मुनज़्ज़म था। सुना है रात को 9 बजे टीवी बंद हो जाता,
हाँ बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था. विजय लोग तो 9 बजे खबरें देखते थे, आपका टीवी बंद हो जाता था. नहीं नहीं मेरे माँ बाप को लगता है कि बच्चों को दूसरे कामों में मसरूफ रखना चाहिए, टेलीविजन और इन चीजों से दूर रहे. सही हमारा माहौल था ये बंद हो जाता था. लेकिन आप अपने शरारत भी तो बताए, ये मासूम है देखिए आपने. मैंने जो इससे पूछा, मैंने कहा रात को 9 बजे टीवी, हाँ हाँ जी कैसे, ऐसा नहीं होता था. वो बंद करके बेचारे सो जाते थे, ये लोग उठाते थे टीवी अपने कमरे में ले जाते थे, म्यूट करके टीवी देखते थे ये लोग. बेचारे माँ बाप तो सो गए चुपचाप, कितने नेक सो मसलात के पाबंद हमारे बच्चे हैं बेचारे, अब तो हम भी सो गए, वो भी सो गए, उन्हें क्या पता था कि टीवी तो रात को चोरी हो जाते हैं. लेकिन एक बात अच्छी है कि मारपीट बहुत दूर की बात, वालिदैन ने कभी इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की. और ये एक ऐसी बात है कि हमारी अम्मी भी कहती थी कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से. तो सिर्फ माँ बाप की निगाह काफी होती थी पहले जमाने में, एक एक निगाह होती थी काफी. खिलाते सोने का निवाला थे, याद आती है अम्मी, खिलाते सोने का निवाला थे, देखते जो थे शेर की निगाह. अच्छा ये सोने का वो निवाला नहीं होता था, ये सोने वाला निवाला देते थे. यानी ऐसा निवाला खिलाते थे फेनरगन दवाई के साथ कि आप वो निवाला खा के सो जाते थे. ये वो अगर किसी को फेनरगन सिरप याद हो तो जो बच्चे रात को नहीं सोते थे तंग करते थे हमारी तरह, तो उनको फेनरगन सिरप पिला के माँ बाप सुला देते थे. ये वो सोने वाला है, ये वो सोने का निवाला है. ये चेंज डाउनलोडिंग हो रहा है आप समझ लें, ये इसका मतलब है चेंज इज डाउनलोडिंग और 85% डाउनलोड हो चुका है. आपको कब आ जाएगा ये पता नहीं है. अब ये कौन सा चेंज है ये मैं बता नहीं सकता, ये मुख्तलिफ किस्म का चेंज हो सकता है. हो सकता है कि हम अपना सेट चेंज कर रहे हो, हो सकता है कि हम आप किसी और ऐसे मेहमान को बुला रहे हो कि जो आप बिल्कुल चेंज हो सकता है कि हम और प्रोग्राम कर रहे हो, या हो सकता है चेंज चेंज हो, या हो सकता है किसी से चेंज लेना हो. मतलब ये बंधा हुआ खुला हुआ चेक चाहिए हो तो बंधा हुआ दे दिया हो, तो कुछ भी चेंज हो सकता है, ये चेंज की बात है. अच्छा ये बताइए कि आप बचपन में शरारती तो बहुत थी लेकिन सुना बड़ी पुरेतमाद और शर्मीली थी. मैं अभी भी ऐसी हूँ. शर्मीली है अभी? हाँ मैं इतनी ज्यादा किसी से इतनी जल्दी नहीं बात कर पाती. अच्छा मुझे बहुत वक्त लगता है मतलब किसी से भी बात करने में. मतलब आपने कोई दोस्त ही नहीं बनाया? एक्चुअली मेरे कोई दोस्त नहीं, मेरे बहन भाई मेरे दोस्त. हाँ वो मेरा एक भी कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मैं हैंग आउट करूं. मैं तो 3 दफा बुलाऊंगा आपको अपने शो में ताकि दोस्ती हो जाए. हो गई अच्छा मतलब हमसे होगा मतलब हम लोग कर सकते हैं बात, बाद में भी कर सकते हैं बात. अच्छा ये पक्की बात है क्योंकि मैं करूंगा. जी जी मैं ये आपसे कहलवा रहा हूँ, मैं करूंगा आपसे बात. फिर आप मेरे बारे में जानते हैं इतना है कि आपसे तो दोस्ती करनी है. अच्छा भाई अच्छा चले ये मैं खैर आपकी ये सदा नवाजी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा. अच्छा ये मुझे बताइए कि जिंदगी में आप बहुत पंक्चुअल हैं और ये आदत आपको अपने वालिद से मिली, वो बहुत पंक्चुअल थे. किस किस्म की पंक्चुअलिटी आपकी? देखिए मेरे वालिद ने हमेशा एक बात सिखाई है कि वक्त से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, चाहे वो एक मिनट हो एक घंटा हो. हम एक एक मिनट ऐसे ज़ाया कर देते हैं हमें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वापस नहीं आएगा. तो मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, जैसे मैं यहाँ भी बिल्कुल वक्त पे आई थी और मैं वहाँ पे शूट पर जाना होता है मैं बहुत वक्त पे पहुँची होती हूँ. और मैं कई दफ़ा होता है मुझे घंटों इंतजार. सिर्फ आपको मेरी वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, मैं माजरा चाहता हूँ उसकी आप. लेकिन आप बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं नाजी क्योंकि बिल्कुल पंक्चुअल सी आई थी. लेकिन उससे पहले मैं एक शो रिकॉर्ड करा के फिर मैं कपड़े बदल लेते, लेकिन इस नो डाउट अबाउट इट कि ये पंक्चुअल है और वाकई शर्मीली है. बिल्कुल एक जगह पर कोने में बैठी थी लेकिन मेरी अब इंसान से दोस्ती हो जाएगी क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, हमारी भी कोई मतलब इनकी दोस्ती ऐसी कुछ है नहीं. और इनकी तो खैर बहन भाई है, हमारे तो कोई ना बहन है ना भाई है, बिल्कुल अकेला इकलौते बैठे हुए. तो तब तो दोस्ती करनी पड़ेगी इनसे ताकि इनसे राबता रहे. अच्छा ये मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि आप बचपन से मैच्योर हैं और आपकी मैच्योरिटी लेवल ये है कि आप शूटिंग के दौरान रिजर्व रहती हैं और लोग समझते हैं कि आप बहुत मगरूर हैं, लेकिन आप मगरूर नहीं हैं. एक्चुअली आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में कुछ फासले रखने पड़ते हैं, ये आप सोचती हैं? मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे हमारे माशरे में
हम औरतों को दूसरी तरह ट्रीट करते हैं ना, तो मुझे एक डिस्टेंस रखना हर किसी से अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि काम के वक्त सिर्फ काम होना चाहिए. तो मैं बातें नहीं करती तो उन्हें लगता है कि शायद मैं बहुत मगरूर हूँ या मुझमें बड़ा एटीट्यूड आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं. ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं. अच्छा, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, क्यों नहीं बन पाई? बहुत कम उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी. एक्टिंग में आ गई थी तो फिर पढ़ाई मैंने बीच में छोड़ दी थी. फिर कुछ अरसे मैंने एक्टिंग भी नहीं की. मुझे मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं जिंदगी में करना क्या चाहती हूँ. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टर ही बनना है. इंडस वैली में उस जमाने में फैशन डिजाइनिंग की स्टडी कर रही थी. अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने सोचा कि मुझे करनी चाहिए, तो फिर आप अदाकारी में आ गई. फिर मैं अदाकारी में आ गई. अच्छा, तो तीनों बहनों का ये क्या एक एक अजीब करिश्मा सी बात है कि तीनों बहनों का फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग की तरफ रुझान था? अम्मी की वजह से. अम्मी, अब्बू भी आर्टिस्ट थे. कुरान ऑफसेट प्रिंटिंग बिल्कुल आर्टिस्ट करते थे 70 जबानों में. और मेरी अम्मी थी, वो भी आर्ट में बड़ा उनका शौक था. तो मेरी बहन दोनों पेंटर हैं, दोनों पेंटर आर्टिस्ट हैं. जी बिल्कुल. तो वो जो आर्ट है ना, वो पूरे खानदान में ही है. अच्छा जी, आर्ट मतलब. अच्छा, एक और बात एक फिर पूछ ही लेते हैं जब हम आप खुलकर बात कर ही रहे, फिर वक्फा लेंगे उसके बाद. अच्छा, आपके हुस्न का राज ये है जो मैं समझा हूँ, जो अब तक मैं समझ रहा हूँ, माशाल्लाह आप एक हसीन खातून है. उसका राज ये कि आप वक्त पर खाती, वक्त पर सोती जी. और मतलब ये कि सुबह सवेरे उठती हैं. हाँ, ये तीनों बातें. और अगर किसी दिन भी आपकी शूट ना हो तो आप रात 11 बजे सो जाते. दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपको इससे कोई परवाह नहीं. नींद अच्छी लेती हैं? नींद अच्छी लेती हैं, मुझे आदत है बचपन से. और आप हसद नहीं करती? नहीं, दिल में आपकी हसद नहीं है. ज्यादा किसी से नफरत नहीं करती? ज्यादा क्या, मैं करती, करती नहीं. सोचती नहीं किसी के बारे में बुरा भला. जब भी चेहरा आपका इतना अच्छा खूबसूरत है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग ये करें. ये काम करना सीखो मुसलमानों, करो ये काम. अब तब तक इस बारे में सोचो, हम एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आते. जीवे पाकिस्तान. फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं जीवे पाकिस्तान में. मनमोनी सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी, शर्मीली सी मोहतरमा सारा खान साहब हमारे सामने मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करें. अभी बहुत सारी बातें इनसे होनी बाकी हैं. कुछ बातें ऐसी हैं जो इनकी और मेरी मुश्तरक हैं, और वो ये कि माँ का ना होना जिंदगी में क्या होता है. ये बहुत एक मुश्तरक बात है. बड़े दिल के तार इसमें छिड़ जाएंगे क्योंकि शायद इनके लिए भी माँ की वही अहमियत है जो मेरे लिए है. और इसलिए कि इनकी भी वालदा हयात नहीं रही, मेरी भी वालदा हयात नहीं है, और ये भी उसी पैमाने पर या उसी पाए पर जाकर अपनी माँ को मिस करती है, मैं भी उसी पैमाने और पाए पर. और भर बच्चा जिसकी माँ नहीं रहती वो मिस ज़रूर करता है, मगर वो क्या करता है वो फिर हम आगे ज़रा बात करेंगे. लेकिन थोड़ा सा ज़रा गेम शुरू करते हैं. और पहला हमारा गेम होता है कसौटी. कसौटी की तरफ बढ़ते हैं. तो कसौटी हमारा पहला सेगमेंट है और उसमें क्या होता है, उसमें अभी आपको मैंने बता देते हैं क्या क्या हम पूछ सकते हैं आपसे. जी सर, दिखाइएगा कसौटी में. जी, खाना, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत. इसमें से आप कोई भी एक शोभा चूज कर लेंगे, आप मुझे बता देंगे. उसमें फिर क्या होगा कि मैं आपसे वो सवाल रखूंगा आपके सामने और आपको 10 इशारे मुझसे आप पूछ सकती हैं, पूछ सकती हैं मुझसे. ये भी हो सकता है कि मैं आपको ये ग्रेस पीरियड दे दूं कि ये सवाल जो है वो, चलिए मैंने आपको उसका जवाब ऐसे ही दे दिया. आपके रुझान को देखते हुए अगर आप बहुत तेजी के साथ उस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ रही हैं तो मैं फिर उसे कोई इशारा नहीं करूंगा बल्कि आपको टाइम दूंगा कि आप उस तरफ जाएं. अच्छा। तो अब आप बताइए क्या करना है. शख्सियत. ओके, शख्सियत. हम आपके रुझान को देखते हुए, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में रिसर्च की है उसके मुताबिक आपको हॉरर फिल्में बहुत पसंद है. इसलिए आपने बेलापुर की टाइम किया था. तो बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में, तो इसलिए आप हॉरर फिल्मों को सामने रखे. एक बड़ी शख्सियत हॉरर फिल्मों की, सही है, उस तरह आते हैं. और जाहिर है जब हॉरर फिल्में देखती है तो आपने एक्चुअली हॉरर फिल्में हॉलीवुड में बनी है और उसको आपने बहुत देखा होगा. बहुत जाहिर की ये हॉलीवुड की हॉलीवुड के एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है. मैं एक ऐसा शख्स आपसे पूछने वाला हूँ जो जिंदा है और जो मर्द है.
मर जाए और जिंदा है, हॉलीवुड से ताल्लुक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब जरा आप शुरू कर दें, दस आपके पास गुंजाइशें मौजूद हैं, चाहे तो आप बीच में फोन अ फ्रेंड भी कर सकती हैं। अच्छा, और मैं आपको ये बता दूं कि जिस शख्सियत के बारे में आपसे पूछा है, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं भी सिर्फ हॉरर फिल्में देखता हूँ। मैं हॉरर और एडवेंचर, उसके अलावा मैं फिल्में देखता नहीं अंग्रेजी की और उर्दू में। मैं यानी जो आप देखते थे, तो हिंदी फिल्में देखते नहीं, पाकिस्तानी फिल्में हमारे यहाँ बन रही हैं उनको देखते हैं। इसमें भी मैं सिर्फ एडवेंचर, रोमांटिक फिल्में देखने का मैं आदी नहीं हूँ। तो ये हॉरर और आप एडवेंचर फिल्में बड़ी मज़ेदार होती हैं, तो आपको भी पसंद है हॉरर फिल्में। और ये कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है कि ये हो नहीं सकता कि अगर आप और हम देखने वाले हॉरर फिल्मों के शौकीन लोग हैं तो हमने इस कैरेक्टर को ना देखा हो। इस कैरेक्टर को हमने देखा है, बल्कि इस कैरेक्टर से हम डरे भी हैं। ये होना चाहिए। अब आप इशारों में पूछे, जब नाम मत लीजिएगा पहले। अच्छा, पहले आप मुझसे सवाल, ताकि आप कंफर्म होकर फिर जवाब दें। इन्होंने ये सिर्फ हॉरर फिल्में ही करते हैं? इन्होंने सिर्फ हॉरर फिल्में की है। हॉरर फिल्में, इन्होंने सिर्फ हॉरर फिल्में की है। एक दो इन्होंने अलग से किए, बट वो कामयाब नहीं हुई, फिर ये हॉरर में रहे। सही है, ओके। और ये हाल ही में कोई फिल्म उनकी आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरानी फिल्मों की बात, पुरानी फिल्मों में तो इनकी यानी वो पार्ट्स पे चली, थ्री पार्ट्स चले उसके। ओ, मेरे सवाल कम होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी दो हुए, अभी दो, अभी दो। और इतना फिक्शनल कैरेक्टर था कि आप इस कैरेक्टर को सोच के खौफ आ जाए। कुछ चेंज होना चाहिए ना जिंदगी में। दिखते कैसे? दिखते तो अच्छे हैं, लेकिन एक उनको अगर थोड़ा सा भी मेकअप किया जाए तो वो फिर अच्छे नहीं दिखेंगे। अच्छा, मतलब ये मतलब ये मेरे लिए तो सारे चेहरे अच्छे हैं, अल्लाह ने हर चेहरा खूबसूरत बनाया है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे कि जो आप स्पेशली उनको, या तो आप किसी भी ऐसे स्कैरी कैरेक्टर के लिए मुंतखब कर सकते हैं कि जो, क्योंकि स्कैरी कैरेक्टर के लिए भयानक होना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल, स्कैरी कैरेक्टर के लिए खौफ दिलाना आंखों से जरूरी होता है। अगर हम और आप चाहें और हम देखते हैं तो हम एक दूसरे को खौफ दिला सकते हैं आंखों से, अगर चाहें तो ये भी हो सकता है। ये म्यूजिक बहुत अच्छा है। आपको एक साल बताया, तो 1984 में, 1984 में ये बहुत मशहूर हो गए। ड्रैकुला तो नहीं हम? नो, ड्रैकुला भी नहीं है। मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ? आप ही कर सकते हैं, अभी तो आपके पास बहुत इशारे हैं, अभी आप कर सकती हैं, अभी कर सकती हैं। आप जब जब करने से हैं, आप कर लें। पहले मैं गेस करना चाहती हूँ। अच्छा, ये वाइट है, बहुत लंबे हैं? हाँ, लंबे हैं, लंबे हैं, लेकिन एनी स्पाइट, राइट? यस। अच्छा, 1984 हाँ, इनको जो क्रिएट किया है वो एक बहुत बड़े नाम ने क्रिएट किया है, जैसे कि हम इसको यूं कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन का एक मॉन्स्टर था, डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन उसको क्रिएट किया, लेकिन इनको भी किसी ने क्रिएट किया है। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको क्रिएट किया है, और बड़ा खतरनाक क्रिएट किया है, बड़ा खतरनाक क्रिएट किया, तो म्यूजिक भी ऐसा खतरनाक हो कि इंसान के मुंह से वाह ना निकले, और डर की निकले, डर की कैसे निकली? वैम्पायर का मतलब ये वैम्पायर मेरा लव ऐसे मांग बताऊं, वैम्पायर का मतलब ये कि वैम्पायर कभी भी स्कैरी नहीं होगा, वैम्पायर बड़ा खूबसूरत होगा, बड़ा प्यारा होगा, और ख्वातीन का दिल उसकी तरफ मचलेगा। तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि कहीं से मुझे खून का प्याला मिल जाए, मैं वैम्पायर हो जाऊँ, एक तो मैं हमेशा जिंदा रहूँगा। मैं कॉल करना चाहती हूँ। कॉल करें, बिल्कुल, कॉल मिला दी। अच्छा जी, बात करें, मिला दी कॉल। अच्छा, उस्मान मुख्तार साहब, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। जी, आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज आप? आप तो इतने मशहूर अदाकार हैं, आप क्यों नहीं आते हमारे पास भाई? मैं जी इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, आपको बुलाते हैं किसी दिन प्रोग्राम में। तो उस्मान भाई, आपकी दोस्त यहाँ पर तशरीफ फरमाए और इस वक्त फंस गई है। फंस यूं गई है कि हमने उनसे एक सवाल किया है, हमने पूछा एक स्कैरी कैरेक्टर के बारे में, एक हॉरर फिल्मों का मशहूर किरदार, वो किरदार भी हमने पूछा है, नाम भी पूछा है, वो ना चाहे किरदार बता दे चाहे नाम बता दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यहाँ आकर फंस गई है कि वो कौन हो सकता है। तो अब सारा खान बात करेंगी उस्मान से। जी उस्मान,
जी सारा, 1984 में उसकी फिल्म आई थी और ये कोई हॉरर फिल्म है और उसकी बहुत सारी किस्तें थी, राइट? तो कौन सा मूवी हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है? फ्रेडी क्रूगर, जेसन वोरहीस, फ्राइडे द 13th? नहीं, कैरेक्टर्स बताएं। जेसन वोरहीस या फ्रेडी क्रूगर? फ्रेडी जी पता नहीं मुझे, आप लोग आपस में बात करें। आपने नाम अगर ले लिया तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इस तरह से। आपको पहले इशारों में बात करनी है। इविल डेड? क्या इविल डेड? इविल डेड की मैं क्या था 1980? आई डोंट नो, इविल डेड होगी या जेसन वोरहीज होगा या फ्रेडी क्रूगर होगा, ये इनकी काफी ज्यादा किस्में आई थी। वैसे आपके दोस्त जहीन आदमी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जहानत है, इसीलिए मैंने सुमान को कॉल किया। अच्छा, आप उसमें सवाल करें ना इनसे, और आप भी सवाल करें, एक दूसरे सवाल करें, जवाब दीजिए, आप ये पूछे, क्योंकि देखिए हो सकता है ये तीनों ना हो, कोई और हो, तो आप लोग पहले जरा पूछ रहे 1984 के दौर में जाए और देखिए 84 में क्या क्या हो रहा था। देखिए वो कोई इविल लुकिंग कोई कैरेक्टर है, 84 में तो 100 भी हो रही थी, 84 में तो इविल डेड भी थी, 84 में तो बहुत सारी चीजें थी, तो 84 में जाना पड़ेगा आपको, 84 में आपको फ्राइट नाइट की तरफ भी जाना पड़ेगा, 84 में आपको बहुत सारी फिल्में हैं, देखनी पड़ेगी आपको। उन्होंने ज्यादातर हॉरर फिल्में की हैं और उन्होंने बहुत कम काम किए, उन्होंने की अलावा एक्चुअली की ही हॉरर है और इतनी पुरानी, उनका असल नाम इतना मशहूर नहीं हुआ जितना वो कैरेक्टर मशहूर हो गया, हालांकि उनका असल नाम उस फिल्म में हर वक्त लिखा हुआ आता था, ये उनका असल नाम। मेरा ख्याल से 84 में फ्राइडे द 13th आई थी जो जेसन वोरहीस से, जिसमें 84 में फ्राइडे द 13th भी थी, 84 में फ्राइडे 13th की था स्क्रीम भी थी, 84 में इविल डेड भी आई, बहुत सारे 84 वाज द ईयर ऑफ स्कैरी मूवीज। थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक हो जाए ना तो शायद जिंदगी आसान हो जाए थोड़ी। आप इनसे सवाल, अगर हम स्पेसिफिक हो गए तो हमारी कसौटी का क्या फायदा? मुझे जहां तक लगता है, मुझे यही लगता है कि जेसन वोरहीस होगा 84 में, क्योंकि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि उस फिल्म की बहुत ज्यादा किस्तें भी आई थी, यानी कि बहुत ज्यादा पार्ट्स भी आए थे। But he was not a fictional character. I am talking about the fictional character. Jason was a real character. Jason was a real character. And ये जो किरदार था ये अमेरिका में उसने तबाही मचाई थी, तो इट वॉज अ रियल कैरेक्टर, उसको फिर सजा भी मिली थी जेसन को, और उसके ऊपर फिर ये फिल्में बनी थी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फिक्शनल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर था ही नहीं, जिस तरह से आप जो 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 फ्राइडे द 13th जैसे क्रिस्टोफर ली का जो वैम्पायर बने, इट वाज अ फिक्शनल कैरेक्टर, क्रिस्टोफर ली जो किरदार, वो क्रिस्टोफर ली तो ड्रैकुला बने थे, ड्रैकुला बने ना, तो वो ड्रैकुला फिक्शनल हुआ, ड्रैकुला एक्चुअली था नहीं, ड्रैकुला जो था वो टर्की में था, लेकिन ये जो ड्रैकुला लेकर आए थे ये टर्की में नहीं था, ये अमेरिका में था। और मैं जिस किरदार की बात कर रहा हूं पक्का फिक्शनल है, वो कभी किरदार सच्चा बना ही नहीं। सुने जोकर भी इट्स नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर, जोकर भी सीरियल किलर था जो लोग खवातीन को कत्ल करता था, उसके बाद फिर जोकर को लिया, पहले बैटमैन में लिया गया, उसके बाद फिर वो जोकर बाद में जोकर फिल्म के अंदर आया। मुझे जहां इस्लाम से लेकर फिल्मों तक मालूमात का खजाना आम मिल गया। ज़ॉम्बीज़ का तो कुछ नहीं है। ज़ॉम्बीज़ नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जो है तो फिक्शनल, लेकिन ये आप सोच सकती है कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ज़ॉम्बीज तो एक तसव्वुर है जो कि हो सकता है कि कभी ना कभी जिंदगी में नजर आए। सर मुझे जो लगता है वो ये है, जेसन वोरहीस जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है, वो असल एक्टर का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एक्टर का नाम नहीं है, बट इट वॉज नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर। जेसन जो था उसको 1971 के अंदर उसको फांसी की सजा दी गई थी, बिजली की कुर्सी बिठाया गया था, वो एक सीरियल किलर था, और उसके बाद जेसन के ऊपर ये फिल्में बनाई गई थी, फ्राइडे द 13th, जिसके अंदर उसको दिखाया गया था कि वो किस तरह मारता था। तो ये एक किरदार था जिसका नाम बदलकर उसको मोरगीज करके उसको उस किरदार को बनाया गया, एक्चुअली उसका फर्स्ट नेम जेसन वैसे ही रहा, लेकिन मैं जिस किरदार की बात कर रहा हूँ वो किरदार था ही नहीं, वो तख्लीक किया है किसी ने, उस बहुत बड़े हिदायतकार ने तख्लीक किया है, और उसके बाद वो किरदार चलिए मैं बता देता हूँ, 9 पार्ट्स के अंदर आया, 9 पार्ट्स। फ्रेडी क्रूगर, ये आप दोनों जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या आसमान, ब्रैडली कूपर,
फ्रेडी फ्रेडी क्रूगर फ्रेडी क्रूगर मुझे तो ये What a brilliant answer. Marvelous job. Freddy Krueger, असल नाम था रॉबर्ट एंग्लैंड और इसको इंग्लैंड कहते हैं लेकिन इंग्लैंड इसका सही प्रोनाउंसिएशन है. वेस क्रेवन ने इनको तख्लीक किया था और ये वेस क्रेवन नाइटमेयर के अंदर आए थे और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट पार्ट वन से लेकर पार्ट सेवन तक ये चली थी और उसी के अंदर वेस क्रेवन नाइटमेयर पहला पार्ट था जो आखिर में आया. इनके हाथ में ग्लव होता था, उस ग्लव के अंदर बड़े खतरनाक किस्म के छुरे होते थे. ये ड्रीम्स में आया करते थे और ड्रीम्स में आकर बच्चों को कत्ल कर देते थे. बहुत खतरनाक कैरेक्टर था फ्रेडी क्रूगर. बिल्कुल सही उसमें भाई आपको बड़ी मालूम है. वाह वाह. आपसे कोई जीत सकता है? नहीं. लेकिन उस्मान ने कमाल कर दिया. उस्मान आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? मुझे जी हॉरर मूवी का बहुत शौक है बचपन से तो मैं. लेकिन आपने बिल्कुल एग्जैक्टली आपने एकदम मैं बड़ा आपसे मुतासिर हूँ. आपने इससे आगे हटे नहीं. आपने मुझसे बहुत सी बातें उगलवाई पहले और उसके बाद आप 84 के अंदर रुके और आपने 8 पार्ट्स को फौरन समझा और आप फ्रेडी क्रूगर पे रुक गए. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं सारा को यही कहना चाहूंगा, सारा जो भी जीती है वो 50-50 कर ले मेरे साथ. बट यू आर सो इंटेलिजेंट. आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड अबाउट. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया. थैंक यू स्मार्ट भाई. आपके दोस्त तो बड़े जहीन है. और अच्छा आपने देखी है नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट? नहीं, एक भी नहीं देखी. ये क्या किया आपने? हाँ वैसे मैंने गलत किया लेकिन मैंने नहीं देखी. आप देखें जरूर देखें. ये मैं मशवरा आपको दे रहा हूँ इसलिए कि अच्छा एक आपको और बात बताऊँ. हॉरर फिल्म में देखने वाले जो लोग होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो उसे एंजॉय करते हैं. और बहुत जो लोग डरते हैं उनको हॉरर फिल्म में नहीं देखनी चाहिए. एंजॉय करना उसे, उस जो लोग डर रहे हो उनको देख के आप एंजॉय करें. एक जमाने में एग्जॉर्सिस्ट आई थी. पहले सिनेमा यहाँ पे हुआ करता था कराची में. अब पहले सिनेमा नहीं है, मेट्रोपोल होटल के साथ होता था. पहले सिनेमा में एग्जॉर्सिस्ट लगी थी और उसका दरवाजा सिर्फ खुलते वो दिखाते थे ट्रेलर जो आते थे. लोग जाना छोड़ दिया था, लोगों ने देखना छोड़ दिया था. लेकिन बहरहाल आप ये जरूर देखिएगा और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का पार्ट 3 और पार्ट 7 जरूर देखिएगा. और वेस क्रेवन नाइटमेयर ये तो आपने लास्ट भी देखनी है. ठीक है, एक वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. जी वे पाकिस्तान. पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद और मेरे सामने तशरीफ फरमाए अब प्यारी सी खूबसूरत सी मोहतरमा सारा खान साहब. और दोबारा आप गेम्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर से कुछ बातें आपके लिए बताना चाहता हूँ. एक तो ये कि ये कोई 2.5 बरस पहले का जिक्र है, तकरीबन 2.5 बरस हो गए कि ये किसी सीरियल की शूटिंग में मसरूफ थी और उन्हें इत्तला मिली कि वालिदा को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. तो ये फौरन अस्पताल पहुंची. आवाज़ थोड़ी सी खोल दीजिएगा. फौरन अस्पताल पहुंची तो वालदा ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी. और एक्चुअली इनकी वालदा को कई बरसों से एक कैंसर जैसा मूजी मरस था जिसमें मुब्तला थी. और ये हमेशा ये कहती थी कि उनको तकलीफ़ में देख कर के अल्लाह ताला मेरी माँ की मुश्किल आसान करे. और यही कहा जाता है कोई भी अपने वालदैन को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, कोई अपने किसी प्यारे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता. और मुश्किल आसान के लिए अल्लाह ताला से जब ये कहा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता. या तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे या फिर अल्लाह ताला का ही माल है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है. और चूंकि मदीने की पैदाइश है तो मैं तो इन चीज़ों पर बड़ा बिलीव है इनका. और ऐसे लोगों का बिलीव होना चाहिए क्योंकि आप किसी को बहुत देर तक बचा नहीं सकते क्योंकि ये आपका है ही नहीं. ये जो हम ये अल्लाह ताला में सिखाता ये है कि जिस माल से तुम बहुत मोहब्बत करते हो ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, इसको वापस मेरी तरफ लौट कर आना है. चाहे वो जिस हालत में भी हो, इसको मैंने तख्लीक किया, ये मेरी बनाई हुई तख्लीक है, इसके तुम हाकिम नहीं हो सकते ना तुम इसको अपनी मिल्कियत बना सकते हो. लिहाजा हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ही का माल है और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है. तो ये इसीलिए हम ये दुआ मांगते हैं. और फिर ऐसे ही हुआ कि बीमारी के ये दिन थे
और फिर इस जमाने में इनकी जो बहन थी आयशा, उन्होंने बहुत खिदमत की अपनी वालदा की और बड़ा ख्याल रखा। चूँकि इनके वालिद इनके बेस्ट फ्रेंड है, इसे अपनी बहुत सारी बातें उनसे डिस्कस कर देती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद अपनी बहनों से भी नहीं कर सकती उनसे कर सकती हैं। लेकिन वालदा ने वफात से कबल सारा से वादा लिया था, और सारा से ये सारा का सारा वादा लिया था कि तुम अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखना। और वालदा के इंतकाल के बाद इन्होंने घर की जिम्मेदारियाँ संभाली, और ये कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले इस बात का ख्याल करती हैं। इसलिए मैं इनसे कुछ इनकी चीज़ें पढ़कर इनसे प्यार सा हो गया, इनसे मोहब्बत सी हो गई है। ये ख्याल करती हैं कि वालदा की रूह को तकलीफ़ ना पहुँचे, और उनकी इज्जत का, उनके एहतराम का ये बहुत ख्याल रखती हैं, इसे बहुत सोच समझ कर काम करती हैं। वालदा सब बच्चों को कामयाब देखना चाहती थी, और वालदा ने तीनों बहनों को बहुत मजबूत बनाया। मैं समझता हूँ लड़की को मजबूत होना चाहिए, लड़की को इस मर्दों के माशरे में मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने जेंडर की इज्जत की, और मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया कि बच्चा बड़ा हो तो उसकी इज्जत करो। हाँ, ये ज़रूर सिखाया कि बच्ची बड़ी हो या ना हो, उसकी पैदाइश के वक्त से उसकी इज्जत करनी शुरू कर दो, उसको ज़िंदा दफन ना होने दो, वो जेंडर है और उस जेंडर की इज्जत की। तो इसलिए इन्होंने उस इज्जत का ख्याल रखा, और ये स्ट्रॉन्ग बहनें सारी की सारी स्ट्रॉन्ग विमेन, मुझे वैसे भी मैं फैसिनेट होता हूँ कि जो इस माशरे में अपने आप को ज़िंदा रख सके, अपने कद काट को सलामत रख सके, वो बड़ी कामयाब ख़वातीन होती हैं। और इसी तरह वालदा ने इनको बड़ी तवज्जो दी। ये वो ख़वातीन होती हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन का मतलब ये नहीं होता कि ये अपना घर छोड़ बैठी। स्ट्रॉन्ग वुमेन का मतलब होता है कि किसी की इजाज़त के बगैर कोई देखने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता जब तक कि वो इनकी इजाज़त उसमें दाखिल ना हो। इसको स्ट्रॉन्ग वुमेन कहा जाता है कि जो कोई देख भी ना सके उसे, और अपने तमाम आज़ादियों के साथ जो माशरे में और सब कुछ करना भी जानती हो, यानी उसे कुकिंग भी आती हो, उसे घर के काम काज भी आते हो, उसे बातें करना भी आती हो, उसे घर बनाना भी आता हो, लेकिन उसे ये भी आता हो कि वो ये जान सके कौन किस वक्त उससे बात कर सकता है और कौन किस वक्त उससे बात नहीं कर सकता, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन। अच्छा सुना आपको, अच्छी बातें मैंने गलत तो नहीं की कोई? नहीं, सही है। सुना आपको तैयार होने का बहुत शौक है, जूते आपको बहुत पसंद है, घड़ियाँ, बैग्स वगैरह, और उनको आप छुपा के रखती कहीं बहने से मन लगा है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दिल चाहता है हर चीज़ मैं पहले पहन लूँ, बिकॉज हम चीज़ें शेयर करते हैं, आप पहने एक ही चीज़ें पहनते हैं तो हम शेयर करते हैं, तो मुझे दिल चाहता है कि नई चीज़ें पहले मैं पहन लूँ एक बार, तो बस ये एक्साइटमेंट एक होती है। तो आपको कपड़े, जूते, मेकअप, ये सब इन चीज़ों का बड़ा शौक है? मुझे मेकअप का बड़ा शौक, घड़ियाँ खरीदने का जुनून है, मुझे घड़ियाँ और जूतों का बड़ा शौक है। घड़ियों का, बाकी कपड़ों का मुझे कोई इतना वो नहीं है, कपड़े मैं ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं हूँ मैं। हाँ। अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए, और अपनी को अलमारी उसको लॉक कर देती है जिसमें रखती है। है ना? अपनी करती, लेकिन करती थी बहुत अरसे तक किया है। तो अदाकारी के शोबे में आने से पहले आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, और 2012 में जब बड़ी सीरियल, जो ये बड़ी आपकी सीरियल थी, तो इसमें शर्मीन के किरदार के बाद आपने 2 साल तक किसी ड्रामे में काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मैंने पहला ड्रामा किया तो मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, तो ये काम उसी को करना चाहिए जो वाकई दिल से, शौक से और एक प्रोफेशन समझ के कर सकता है। तो मैंने 2 साल तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैंने ये करना भी है कि नहीं, तो 2 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ये करना है और इसको प्रोफेशन की तरह ही लेके और बहुत अच्छे से करना है। तो चूँकि आप बड़ी बाहया और बहुत मतलब ये कि बाबाकार घराने से ताल्लुक है, तो आपने सुना है कि मेकअप रूम में डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था? हाँ। देखिए मेरा ना वाह निकाल के लाया, नहीं लाया। जरा तमीज बनानी पड़ती है बात करने के लिए आज। बड़ा मुश्किल लगता है तमीज बनाने वाला। जी थप्पड़ मारा फिर क्या हुआ, अपना खुल जाते। जी हाँ देखिए जी, मेरा एक दायरा है। हाँ। उसके बाहर जो है वो अच्छा है, जो उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर जो सारा है। उसके बाद जी तो मैं दायरे के ऊपर ही उठा था, बस क्रॉस ही किया मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद मेरे करियर का दूसरा ड्रामा था। हाँ। और हमारे यहाँ होता है, लोगों को लगता है कि काम के लिए नहीं, मैं पूरा सीन मुकम्मल कर दूँ। पहले तो फड़ मारा, उसके बाद डायरेक्टर चीखता हुआ बाहर आया तो बाहर निकल के फिर मारा। मैंने उन्हें थप्पड़ मारा और फिर मैंने रियलाइज किया कि किसी ने देखा नहीं, क्योंकि मैं ही थी वहाँ। मुझे लगा कि थप्पड़ ऐसे इंसानों को, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, अगर मारा है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि क्यों मारा है। तो फिर मैं कमरे से बाहर आई और वो उठे, पैकअप करो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला,
और जब मैंने ये बात का अंदाजा लगा लिया कि यहाँ सब लोग मौजूद हैं, ताकि लोग देख लें कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा, ताकि लोग देख लें और इस बात का अंदाजा लगा लें, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की फवाद चौधरी उन्होंने कहा कि चलो दूसरी बार भी पूछ रहे, नहीं जाना, ठीक है तीसरी बार भी पूछ रहा, देखिए मैंने आपसे कहते चौथी बार जब आपसे पूछे, चौथी बार मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैं कहीं नहीं जाती, आप काम खत्म करें और मुझे भूल जाएं, घर जाके मैं किसी से बात भी नहीं करती। सही। तो उन्होंने कहा घर जाके मुझसे बात कर लेंगे आप, ये अजीब सी अच्छा, बात है। मुझसे कर लेंगे या नहीं करेंगे आप, तो मैं दोस्त, अच्छा दोस्त मैं, ओके अच्छा ठीक है। अच्छा फिर उन्होंने एक बहुत बुरी बात की जो थी कि आप, खैर ये बात मैं बाद में बताऊंगी, तो खैर उन्होंने एक अजीब सी बात की जो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो उस बात पर मुझे गुस्सा आया, मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अच्छा थप्पड़ जोरदार था या ऐसी था? नहीं मैं छापा पर पड़ा नहीं पड़ा, मुझे कराटे आते हैं, वो थप्पड़ बहुत जोरदार था। कराटे भाई भाई मां आ हा भाई वाह 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 भाई वाह 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 भाई वाह 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 क्या कहने वाह 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 भाई कराटे और थप्पड़ आ भाई कमाल हो गया, कमाल कर दिया आप, तो मतलब ये कि मुंह तो सलामत नहीं रहा होगा या रहा सलामत है? उन्हें घर जाके अब नील नील पड़े होंगे, पड़े होंगे। सही है, बिल्कुल सही है। अब जरा फिल इन द ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं, अपने डैश की अहमियत से भला को आपके पास भी होंगे शायद कार्ड रखे नहीं रखे, अपने डैश की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है, घर या हुनर? हुनर हाँ, हुनर की अहमियत होती है, अपने हुनर की अहमियत से। अच्छा ये इनका ख्याल है, मेरे तो सवाल है, इनका ख्याल है। वैसे तो मुझे दोनों सही लग रहे हैं, आप क्या कहते हो? आई थिंक मेरे ख्याल से हुनर आम है, हुनर की। अच्छा हुनर लग रहा है तुम्हें भी, हुनर जब जब जो बड़े भाई नहीं गए तो मुझे साथ ही तो और तुम मुझसे पूछ रहे हो तो बिल्कुल 100% के साथ चलेंगे ना। हां घर की अहमियत तो है ही है, लेकिन हुनर इज द राइट आंसर। खुशनसीब है वो शख्स जिसे फी जमाना डैश दोस्त मयसर हो, फिक्रमंद या दर्दमंद? फिक्रमंद या दर्दमंद? दर्दमंद वो होता है जो, देखिए मैं बता दूं, दर्द का फिक्रमंद वो होता है, हाँ फिक्रमंद वो होता है जो जो आपकी किसी परेशानी या आपकी किसी तकलीफ पर फिक्र करे, करे कुछ नहीं मगर सिर्फ फिक्र करे, वो फिक्रमंद होता है। सही है। और दर्दमंद वो होता है जो आपके दर्द में आपके साथ शरीक हो जाए। दर्दमंद असल तो वो दोस्त होता है ना जो दर्दमंद हो या इंसान वो होता है, तो दर्दमंद दर्दमंद। अच्छा देखिए बात ये दर्द के बारे में कि दर्द जो होता है ना उसको बांटने वाले बहुत कम होते हैं और दर्द देने वाले बहुत होते हैं। हाँ। दर्द देना बहुत आसान है जी। दर्द बांटना बहुत मुश्किल है क्योंकि दर्द बांटने में आधा दर्द आपको लेना पड़ता है। हाँ। क्योंकि और बहुत से लोग ऐसे जो दर्द लेना ही नहीं चाहते, जो चाहते नहीं कि उन्हें दर्द हो, वो किसी को दर्द में देख कर दर्द में नहीं आते बल्कि किसी को दर्द में देख कर खुश होते हैं कि उनको दर्द है, और वो लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं जो किसी के दर्द को महसूस करें अपने साथ, वो भी दर्द में हो जाते हैं शरीक। इस तरह होता क्या है कि जिसको दर्द होता है उसका दर्द कम हो जाता है क्योंकि आधा दर्द कहीं और चला जाता है कि मार पड़ती थी रांझे को, तकलीफ होती थी हीर, तो तकलीफ इसलिए होती थी कोई निशान नहीं पड़ते थे बल्कि ये दर्द को बांटने की बात होती थी, और ये मोहब्बतों में होता है, प्यार में होता है और किसी चीज में नहीं होता, बाकी कोई दर्द नहीं बांट सकता, इसलिए वो दोस्त होता है जो आपका दर्द बांटता है, लिहाजा दर्दमंद इज द राइट आंसर। ये हकीकत है कि इंसान जो दुनिया को देता है वही चीज उसे दुनिया वापस लौटा देती है, यह आपसे मुतालिक है, चाहे वो डैश ही क्यों ना हो, दुआ या दगा। अच्छा हाँ।
दुआ तो बहुत हर कोई दुआ नहीं दे रहा होता आजकल तो आई थिंक दगा हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे अच्छा। तो हम तो दुआ लिखते रहे पढ़ते रहे आप दगा तो इसलिए आप दगा दे गए सलीम तुमने फिर दाग लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि दगा जो है वो बिल्कुल सही है दगा इतना ही चांस था जिसने मुझे दगा दिए ना वो याद रखे मैं इनकी तरह नहीं हूं सवा दो साल की दगा है वो सवा दो साल की दगा है वो सवा दो साल मुझे तुमने प्यार से अपना बना लिया था मैं तुम्हारा बन गया था मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे निकलोगे लेकिन तुमने मुझे दगा दे दी यार ऐसा करना नहीं चाहिए था पलट कर जब वापस आता हूँ तो मैं स्प्रिंग की तरह हूँ या तो मुझे दबाते नहीं दबाया तो जब मैं तेजी के साथ उठूंगा तो फिर बर्दाश्त करना मेरा नाम हमें पहले वक्तों में घर का कोई एक डैश कमाता था और बरकत थी और आज घर के तमाम लोग कमाते हैं और बरकत नहीं होती घर का कोई एक फर्द या मर्द फर्द बगैर सोचे समझे बिल्कुल मैं इसकी तरफ जाऊंगा क्योंकि जरूरी नहीं कि मर्द कमाए घर का कोई भी फर्द कमाता तो बरकत होती थी बिल्कुल सही है फर्द इज द राइट आंसर एक हुनरमंद अपनी सूरत की वजह से नहीं बल्कि ये भी आप पर आता है आपकी सूरत भी माशाल्लाह अच्छी है काम भी आपका अच्छा है एक हुनरमंद नहीं मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ मैंने बहुत कम खूबसूरत चेहरे ऐसे देखे जो वाकई खूबसूरत चेहरे हो एक हुनरमंद अपनी सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने हुनर और काम की वजह से डैश जाता है जाना जाता है या माना जाता है माना जाता है एक हुनरमंद अपनी सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने हुनर और काम की वजह से माना जाता है मेरे माना जाता है इज द राइट आंसर यहाँ तो आप बड़ी जबरदस्त थी बाबा सारे जवाब दुरुस्त दिए इस बात पर एक जरा वक्फा तो बनता है है ना बनता है ना आज चूंकि तुम तीनों को वक्फा चाहिए तो वक्फा ले लेना चाहिए क्योंकि वक्फा बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है वक्फा वो असल में मुझे एक बात याद आई वक्फा लेने से पहले वक्फे की बात है तो वक्फे पे याद आई और वो ये बात है कि नहीं सही हंसी लगेगा देसी की ऐसी बात वो किसी ने कहा वो हमारे एक जानने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जी आप बेटा आप उन्होंने बताया मुझको वाकई तो बताया वो मिलने के लिए उनसे गए बैल बजाई बच्चे दरवाजा खुला उन्होंने कहा बेटे आप माशाल्लाह आप तो बड़े अच्छे बच्चे कह रही मैं तो तीसरा बच्चा हूँ कह रही क्या मतलब बेटा समझे नहीं कह रहे बच्चे तो दो ही अच्छे पाकिस्तान पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और सारा खान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं अभी सारा खान से यही बातें हो रही थी कि ज़िंदगी जो है वो अनासिर की ज़हूर और तरकीब के अंदर एक खूबसूरत तवाज़ुन बरकरार रखने का नाम है जो जिसका है वो उसका है जो जिसका नहीं है वो उसका कभी नहीं हो सकता और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी फ़र्ज की या अफराद की या इंसानों की बात नहीं होती ये मकामात की भी बात होती है ये खानों की भी बात होती है ये घरों की भी बात होती है आप सोच रहे हो कि जी मुझे तो नाजमाबाद में ही घर लेना है भाई आपके लिए नाजमाबाद में घर नहीं लिखा आपको औरंगी टाउन में रहना पड़ेगा तो अल्लाह ताला ने वहीं लिखा कुछ अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे उसूल और जवाबित हैं जो इंसान रीड नहीं कर सकता और इंसान मेरा ख्याल है कि शायद कुछ भी रीड नहीं कर सकता बस औकात अपनी जो है वो अक्ल की अटकल के पिछू लड़ाता है और समझता है कि शायद वो हकायक तक पहुँच गया लेकिन वो हकायक तक नहीं पहुँच पाता तो मैंने हमेशा इस बात पर कारबंद रहा और मेरा यकीन रहा है मेरा ईमान है कि अच्छी चीज़ें इसलिए खो जाती हैं याद रखिएगा जो मैं जुमला कह रहा हूँ अच्छी चीज़ें कभी कभी इसलिए खो जाती हैं कि अल्लाह ताला हमें ये सबक देखना चाहता है कि जिसे तुम अच्छा समझते थे अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ मैंने रखी हुई है तो मैं तुम्हारी अकल के मुताबिक तुम्हें अच्छी चीज़ नहीं दूंगा अपनी कुदरत के मुताबिक तुम्हें अच्छी चीज़ दूंगा तो अच्छी चीज़ अल्लाह ताला संभाल के रखता है आप ही के लिए रखता है आप ही को देगा वो आप ही की है
और जब मिलेगी आप तो हैरान रह जाएंगे कि अच्छी चीज थी मेरे लिए। इसलिए अच्छी चीजों का इंतजार करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीजें इंतजार फरमाने के बाद ही मिलती हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने बड़ी अच्छी आदत डाली थी इंतजार फरमाइए की, जब हमने छोड़ दिए, हमें करनी चाहिए। तो आ जाते हैं हम दोबारा से, थोड़ा मुहावरा कहानी की तरफ आते हैं। मुहावरा कहानी की तरफ आने से पहले एक दो बातें और मैं आपको करना चाहता हूँ कि सारा के लिए मोहब्बत का जो मैार है वो आम लोगों से बड़ा मुख्तलिफ। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये कि इनकी सबसे पहली मोहब्बत इनकी अम्मी है और ये कहती है कि जो अम्मी की मोहब्बत का लेवल है उसे कोई मैच नहीं कर सकता। और इसी तरह वो कहती है उस लेवल को चाहे मेरा शौहर ही, आने वाला शौहर ही क्यों ना, वो भी नहीं कर सकता। और उसके बाद मेरी दूसरी मोहब्बत मेरे बाबा है, मेरे बाबा की मोहब्बत तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, उसके बाद है मेरा शौहर। तो मैं आने वाले शौहर को ये बताना चाहता हूँ जो भी हो कि ये इतनी प्यारी सोच है। इस लड़की को खुश रखने का आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसके माँ बाप की इज्जत करें, या आपकी इतनी इज्जत करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको गुर देखे जा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक। इसका मतलब ये कि इनको खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इनकी अम्मी अब्बू की इज्जत करें, फिर देखिए ये आपकी कैसी इज्जत करती हैं कि आप भूल जाएंगे कि ऐसी भी बीवी हो सकती है। ये मैंने गुर दे दिया, जो भी रिश्ता भिजवाए उस बात का ख्याल रखें। चलिए जी, अच्छी बात है, सही। अच्छा जी, अब घर वाले एक्चुअली ने खलाई मखलूक कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, घर वाले कहते हैं इनको एलियन कहते हैं। तो उसकी वजह है कि एक देर एक जगह तक ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, तो ये डेढ़ दो घंटे की फिल्म देख नहीं सकती। इनको शॉर्ट फिल्म चाहिए तो वो बनानी शुरू कर दी है लोगों ने 18-18 मिनट की, भाई देख लें। उसके अलावा ये हॉरर फिल्में देखने का इनको बहुत शौक है जो बताया आपको। और फिर ये चीखने की रिहर्सल जब घर में करती है तो बहन भाई चीख कर घर से बाहर निकल जाते हैं, ये किस किस्म की रिहर्सल हो रही है। तो ये सारे सुकून बर्बाद कर रही है। तो मतलब इस तरह की इनकी हरकतें हैं। और ये भी कि इनके वालदैन चूंकि सऊदी अरब में क़याम पज़ीर थे तो अरबी, ज़ाहिर है कि अरबी रवानी से बोलते थे, और लेकिन सारा को उर्दू की अदायगी में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो वालदैन भी चूँकि ज़ाहिर है कि उर्दू भी बोलते थे, और वालदा चूँकि लबनानी निजात थी लेकिन फिर भी वो उर्दू बोलने की कोशिश करती थी और बोलती थी। अब नाना नानी चूँकि पाकिस्तान ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उर्दू से ये घराना ये नहीं कह सकते कि आप नापरस्त नहीं था, लेकिन पाकिस्तान आकर इनकी उर्दू और बेहतर हुई और डायलॉग डिलीवरी ये अच्छी करने लगी। शेर व शायरी बिल्कुल समझ में नहीं आती, लिहाजा होने वाले शौहर से ये भी गुजारिश है कि अशार भेज कर इनका वक्त बर्बाद ना करें, बगैर अशार के बात करें, और अगर कोशिश करें तो अरबी में करें बात तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और आप ये कर सकते हैं, मतलब ये कैफ हालुक, तो ये उसका जवाब आपको दे सकती है और बहुत अच्छा जवाब आपको दे सकती है। तो इसलिए कि अरबी सीखने की कोशिश करें, अरबी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल काम हल कर देती है। अरबी का पश्तो सीखना चाहती हूं। पश्तो सीखना है, अरबी में आप कह सकते हैं याकुबुल्लाह बारकल्लाहु फीक, ये आप सब कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो पहले इनको कैफ हालुक कहना पड़ेगा। तो आप कहें याकुबुल्लाह बारकल्लाहु फीक, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो ये नहीं होना चाहिए ही मेरे मिल ही वतल का तुल्ली वतुल्ली का तिल्ला, ये नहीं होना चाहिए। इंसान को ये सोचना चाहिए कि अरबी वो बोल क्या है, ही मेरे हाथ मिल ही वतल का तुल्ली वतुल्ली का तिल्ला, ये नहीं होना चाहिए। ये गलत ना लगा था अरबी, यहाँ पर अरबी नहीं बोल सकते, ये अजीब सी अरबी। चले बच्चे, ये महाप्रभु की दरवाजे, हाँ जी हाँ महाप्रभु की दरवाजे, अजी पहला महाप्रभु दिखाईगा। हाँ जी, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, भाई वाह वाह वाह। अगला मावरा आंख फाड़, ये क्या है? देखिए ना, ये है, ये देखिए, एक तो पहाड़ है, एक पहाड़ है, एक आंख है, और एक ब्लर है, ब्लर जब कोई चीज होती है ना तो मेरी तरफ देखिए, देखिए आंख ओझल पहाड़ ओझल। वाह वाह वाह, लिप रीडिंग कर लो मेरा, और लिप रीडिंग भी आती है भाई। अच्छा जी, अगला दिखाए मामला। आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार, भाई ये तो बिल्कुल मुहावरा हमारे जो कौन है हवाबाजी के वजीर, क्या गुलाम सरदार साहब, भाई आपके लिए ये भाई आज ये अगला मुहावरा। आजी आम
अब ये जो बाप और बेटे ना 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 मिल जल्दी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह भाई वाह ये असल में मियाँ साहब के लिए देख के बना था बड़े मियाँ जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह भाई वाह भाई क्या क्या अच्छा अभी हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं आप बताने किसके आंखों से हम शुरू होंगे दिखाई आंखें दिखाएं पहले हम वैसे आंखें नहीं दिखाते ये तस्वीरें आंखें दिखाती हैं हाँ जी ओहो इस आदमी से एक दुनिया मोहब्बत करती है आप लोग समझ में कुछ और कहने वाला इस आदमी से एक दुनिया मोहब्बत करती है और अगर दुनिया मोहब्बत ना भी करे ये आदमी कर लेता है उसे मोहब्बत हाँ ये एक ऐसा आदमी है इस प्लेनेट पर कि अगर इससे कोई मोहब्बत ना करे ये खुद कर लेता है ये कोई पॉलिटिशियन है नहीं पॉलिटिशियन नहीं है ये मैं बता बेहतर देखा ये एक ऐसा आदमी है ये कायनात भी एक अलग सा आदमी बनाए कि वो आदमी है कि अगर आप इससे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं हाँ। तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है ये आपसे कर लेगा और आप ना चाहते भी मजबूर हो जाएगी कोई आदमी है क्या आपको करनी पड़ेगी अजीब आदमी है इसको लोग आदमी कहते हैं मैं तो कहता हूँ ये आदमियों का आदमी है इसके अंदर कई आदमी है ये एक वक्त में एक आदमी निकालता है बाकी सारे आदमी छुपा के रखता है क्या कहना आप तुम नहीं सुधरोगे चले उसके बाद आ जाए अगला ले आइए उफो भाई ये आंखें जो है ये मेरी देखी भली आंखें मैंने इन आंखों को देखा है अच्छा ये मुझे जानती है मैं इनको जानता हूं हम एक दूसरे को जानते हैं हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जानते थे हम एक दूसरे को आप अभी भी जानते हैं एक दूसरे को लेकिन हम जानते हैं सिर्फ पहले हम पहचानते भी थे लेकिन ये हम जानते हैं और हम बहुत करीब से जानते हैं और हम इतना जानते हैं कि हमें पता है कि हम एक दूसरे के बारे में क्या जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो वो जानते हैं वो हम जानते हैं और जो हम जानते हैं वो जानते हैं लेकिन जितना वो जानते हैं उतना हम नहीं जानते और जो हम जानते हैं वो नहीं जानते क्योंकि जो हम जानते हैं उनको पता ही नहीं हम क्या क्या जानते हैं और जो वो जानते हैं उनको भी नहीं पता कि हम जो जानते हैं वो आप नहीं जानते जो आप जानते हैं वो हम नहीं जानते तो आप देखिए कौन है बहुत कुछ जानती है भाई ये समझ लीजिए मेरा मैं इनको जानता हूं बस ये समझना आपको पता है मैं ऐसी किसी मैं जानता ही नहीं किसी को मगर मैं जब किसी को जानता हूं तो इनको जानता हूं मैं मैं मामा मलिक तो नहीं है हाँ मैं मामा मलिक यहाँ भी जानती है ये है हुमायूं मलिक the great actress of Pakistan आप आजकल काम नहीं कर रही हैं काम बहुत कम कर दिया लेकिन बोल फिल्म में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हुमायूं मलिक के लिए बहुत सही था ये आयुष मलिक जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा शो में तो तुमको हमें आना पड़ेगा तो आ जाते तीसरी आंख जी ये कोई क्रिकेटर लग रहे हैं लक्ष्य तो कोई क्रिकेटर ही रहा है कुछ इनके बारे में बताएंगे इनके बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैं इनके नाम में वही आता है जो सिकंदर के नाम में आता है अली नहीं सिकंदर के नाम में जो आता है जो सिकंदर था अच्छा। सिकंदर क्या था सिकंदर आजम था ये भी कुछ है ऐसी बाबर आजम एक और दिखा दे भाई ओह आसिम अजहर चल अब आ जाते सेंसेशन मोमेंट ये सेंसेशन वालों की तरफ से आपको गिफ्ट भी जाएगा इनके साथ तो सेंसेशन मोमेंट जल्दी से जवाब देना आपने ये समझ ले रैपिड फायर किस्म का है अच्छा अच्छा समीना पीरजादा या समा मीत समीना पीरजादा आगा अली या फैसल कुरैशी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ ड्रामा या फिल्म ड्रामा फारूक रिंद या हसीब हसन फारूक रिंद शाहिद आफरीदी या शोएब अख्तर शाहिद आफरीदी लव मैरिज या अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ कोई जो एक करना पड़े नहीं नहीं मैं कोई नहीं चाहती न्यूयॉर्क या लंदन लंदन बर्गर या पिज्जा
बर्गर। नहारी या पाया? नहारी। आसिम अज़र या आमिर लियाकत? आमिर लियाकत। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आइए यही तशरीफ लाइए, ये आपके साथ जाएगा। ये बाहर लेने की कोशिश करेंगे, आपसे वापस मत कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि ये हमारी दोस्ती बरकरार रहे, और क्योंकि मुझे आपसे इतनी अच्छी लगी बातें करके कि आप बिल्कुल अपनी अपनी सी लगी। तो आज अगर किसी से पहली मरतबा ऑन एयर दोस्ती कर रहा हूँ तो मैं आपसे कर रहा हूँ, तो मुझसे दोस्ती करूंगी आप? बिल्कुल ठीक है, फिर मुझसे दोस्ती करेंगी। हम दोनों एक दोनों के दोस्त, दूसरे के दोस्त बन गए। और इंशाल्लाह ताला दोस्त वो होता है जो दर्दमंद होता है, जो दर्दमंद दिल का दर्द रखता है। बहुत अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें, आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहें आपको मिले, जिसकी आप तमन्ना करें, जो आप तसव्वुर करें, अल्लाह ताला आपके लिए वो तसव्वुर वो तमन्ना पूरी करें। और आप इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। मदीने की बच्ची हैं आप, मदीने में पैदा हुई हैं, मदीने की मिट्टी आपके साथ है, तो हम तो उस मिट्टी का भी एहतराम करते हैं। तो जो लोग वहाँ पैदा हुए हों उनकी क्या बात है। बहुत सारी दुआओं के साथ, और आप फिर कैंसेरियन भी हैं, ये 15 जुलाई है, मैं 5 जुलाई हूँ, तो इस लिहाज से भी बड़ा करीबी। 14 जुलाई और मैं 5 जुलाई, तो बड़ा करीबी। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपकी सब मरादें पूरी करें। आप अल्लाह हुसैन को इजाजत दीजिए सारा खान के साथ, इस दुआ, इस यकीन, इस उम्मीद के साथ कि जो जीवे पाकिस्तान है वो जीवे पाकिस्तान है और वो हमेशा जीवे पाकिस्तान ही रहेगा। नारा लगा दीजिए, जीवे पाकिस्तान।